गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित एक्सरसाइज 10.1 पा रहे। दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में 40 किलोमीटर विस्थापन को हमें चित्र में दर्शाना। तो हमने एक पैमाना मान लिया 40 को, देख लिया कौन सी टेबल से कटाई, 1 से है बड़ी से बड़ी, तो 1 से है या 10 से है, हमने 1 से मान लिया। तो 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर मान लिया, तो 40 किलोमीटर हमारे 5 सेंटीमीटर में आ जाएंगे। और दक्षिण से मतलब साउथ से पश्चिम की तरफ को 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए OA विस्थापन इस बात को प्रदर्शित करेगा कि 40 किलोमीटर विस्थापन है आपका दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में। इसके आंसर में पीछे दे रखा हमने, यहां दे रखा है, तो यहां से मतलब है उसने दक्षिण से फिर आ दिया नॉर्थ से देना चाहिए था ईस्ट में, और इसे दिया हमने साउथ से ईस्ट में, साउथ से वेस्ट में, साउथ से वेस्ट में दिया। चलो जी, निम्नलिखित मापों को अदिश पर सदिश रूप में व्यक्त करना। 5 सेकंड टाइम है, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए अदिश राशि 1000 घन सेंटीमीटर ये आयतन होता है, आयतन की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये भी क्या है अदिश राशि। 10 न्यूटन क्या है बल, न्यूटन का बल, 10 न्यूटन का बल लगेगा, बल कैसा है अदिश राशि। इसमें आपका मापांक भी है और दिशा भी है, तो मापांक और दिशा जिसमें होती है उसको हम सदिश राशि बोलते हैं। सदिश योग त्रिभुज का नियम, दो वेक्टर को अगर जोड़ना है तो एक वेक्टर इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, दूसरा इस तरीके से, और इनका जो टोटल आएगा वो त्रिभुज को पूरा करते हुए आएगा, इसलिए इसका सदिश का योग त्रिभुज नियम बोलते हैं। जैसे ए से बी, बी से सी, ए से बी, बी से सी, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल में उछलना, तो ए से सी इसका टोटल आ जाएगा ए प्लस बी, तो ए सी की वैल्यू आ गई ए प्लस बी, ये आपके फिगर में। ऐसी माइनस का है, बस जो डायरेक्शन बी सी वेक्टर की उधर होती, अगर माइनस कर रहा तो इसकी डायरेक्शन चेंज करके नीचे की ओर कर देंगे, और इसका आगे ए से डी निकाल लेंगे हम, ए से डी प्लस बी से डी ऐसे लिखेंगे, कर रहे हम प्लस ही है क्योंकि ये माइनस में है, इसलिए हम माइनस रखेंगे, तो प्लस माइनस 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 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सदिशों को घटाते हैं, इस तरीके से सदिशों को जोड़ते हैं, जोड़ना घटाना सदिश का त्रिभुज में ही चलेगा। इससे आगे का आपको कल को बताएंगे। थैंक यू।